की घड़ी 5 मिनट आगे हो गई, इसलिए तो फिर मैंने टाइम नहीं देखा था, चलो तो चलो, दो पांच हो रही थी इसलिए। देखो रेसेस एंड गेम्स। अब रेसेस एंड गेम्स में बात करें, एक सेकंड, क्या हुआ? चलिए भाई सर, देखो। ये हाँ बेटा, रेसेस गेम्स के बाद मैक्सिमा मिनिमा प्रोबेबिलिटी और इंडेक्स नंबर। तो मैक्सिमम मिनिमा तो इनके साथ ही होगा ना बेटा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या बच रहा है, ये तीन और बस तीन और बच रहे, और क्यों, वो भी तो बच रहा है। मार्जिनल लेकिन रेवेन्यू भी तो बच रहा नहीं, है। इंडेक्स नहीं, इंडेक्स नंबर, मैक्सिमम मिनिमा और प्रोबेबिलिटी, तीन ही तो बच रहे बेटा। तीन ही है ना? ओके मैं तो सर। मार्जिनल वाला वो मैक्सिमम में ही है क्या? हाँ, मार्जिनल वाला मिनिमम में कवर करवा देंगे उसको, तो ठीक है ना। सर। चलिए हो जाएगा सर अब तो जल्दी, बस उसके बाद इंडेक्स नंबर है, हाँ, मैक्सिमम तो मिनिमम के साथ है, बस प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी। लगेगा, बाकी में तो नहीं लगेगा सर आवाज कट रही है। बेटा। आवाज तेरे में दिक्कत आ रही है, मेरे तो हाँ अब सही है। नहीं सर, आपकी कट रही है। हाँ मेरी कट रही है आवाज? ओ हो, रुको रुको रुको, अब बोलो, अभी भी कट रही है? ठीक नहीं सर, अब सही है। है। अब देखो, ये कुछ पॉइंट्स को डिवाइड है ना, बता रहा है रेस कोर्स। तू तो बेटा वो अपना वाला चैप्टर कर, तेरा वाला रेस कोर्स। भाई रेस कोर्स क्या है? जहां पर कि वो ग्राउंड जहां पर कि सब क्या कर रहे हैं, जहां पर रेस लगा रहे हैं, उसको हम रेस कोर्स बोलें, ठीक है। तो ग्राउंड और पाथ, ग्राउंड और पाथ, एट विच रेस टेक प्लेस इज कॉल्ड रेस कोर्स। रेस कोर्स स्टार्टिंग पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जहां से पॉइंट सभी स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग अपनी गेम को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। उसको बताने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट को, कि लिखवाऊं नहीं स्टार्टिंग सर, स्टार्टिंग पॉइंट। पॉइंट लेयर रेस स्टार्ट्स इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। विनिंग पॉइंट, सॉरी, विनिंग पॉइंट वेयर एक सेकंड। हाँ भाई, क्या हाल है?
चलिए बेटा कोई बात नहीं, आप बस अब स्टार्ट करो। विनिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर आपकी रेस खत्म होती है उसको विनिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। विनिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर रेस खत्म होती है यस सर, उसको विनिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक होता है भाई, ये बोल रखा है इसने डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रेस को खत्म कर, मतलब फिनिशिस पॉइंट सबका, मतलब चार पांच जने एक साथ ही खत्म कर रहे हैं रेस को, उसको हम बोलेंगे डेड पॉइंट, डेड हीट। जैसे पांच जने एक ही जगह पर खत्म कर रहे हैं तो उसको हम उसी टाइम पर खत्म कर रहे हैं तो हम उसको डेड हीट बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखो, ए कैन रन, फर्स्ट पॉइंट ए कैन रन 22.5 मीटर व्हाइल बी रन्स 25 मीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस बी बीट ए इन किलोमीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस बी बीट ए इन किलोमीटर रेस, इन अ किलोमीटर रेस। एक किलोमीटर की रेस में कितने से उन्होंने क्या किया? तो पहले तो ये देखो, बी बीट्स ए बाय 25 माइनस 22.5 इक्वल टू 2.5 मीटर इन 25 मीटर, बोला है कि नहीं? 25 मीटर में कितने मीटर का उसको गैप मिल गया? 2.5 मीटर का गैप मिल गया। आ गया समझ में? क्या हुआ? भाई 25 मीटर रन में कितने से जीता वो, बोलिए। अब मुझे कितने मीटर, कितने किलोमीटर रेस से कैसे करोगे बताओ ना। किलोमीटर के हिसाब से निकाल लेंगे। हाँ 25 मीटर रन बीट बाय 2.5 मीटर, देयरफॉर 1 मीटर रन 2.5 और फिर 1 किलोमीटर का मीटर में 1000 मीटर, मतलब 2.5 अपॉन 25 इनटू 1000 कितना हुआ? ये 100 मीटर। तो इसका मतलब कितने मीटर से बीट किया उसने? 100 मीटर। 100 मीटर, लिखो इसको।
हंड्रेड मीटर से वो जीत रहे। कमना सर इधर, तेरा माइक बहुत आवाज कर रहा है। तो ऐसे लिखोगे, सो इन वन किलोमीटर इक्वल टू बी बीट ए बाय 2.5 अपॉन 25 इनटू 1000, 100 मीटर, 100 मीटर। अगला आ जाए। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a 50 meter race, A can give a start of 5 meter to B. And a start of 14 meter to C. In the same race, how much start can B give to C? In the same race, How much start B give to C? अब देखो ये 50 मीटर रेस में A गिव ए स्टार्ट 5 मीटर टू B। तो इन अ 50 मीटर रेस, अब देखो क्या होगा, इसका मतलब ये है इन अ 50 मीटर रेस A covers distance equal to 50 meter. E covers distance equal to 50 minus 5 meter, 45 meter. And C covers distance equal to 50 minus 14. Equal to 36 meter. A cover distance 50 meter, B cover distance 45 meter, or C cover distance 36 meter. हाँ अमित बोल, मैं लिंक भेज रहा हूँ, हाँ पूरे कोर्स का ही है। हाँ ठीक ठीक ओके 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 तो ए कवर डिस्टेंस 50 मीटर, बी कवर डिस्टेंस 45 मीटर, सी कवर डिस्टेंस 36 मीटर। अब ये बोल रहा है कि बी ने सी को कितना दिया, तो देखो B gives C 45 minus 36 equal to 9 meter run, 9 meter stopped in covering 45 meter, भाई 45 meter में कितना दिया उसने, 9 meter का start दिया। So therefore, in covering one meter, start given by B is equal to 9 by 45, 1 by 5 meter. So for a race of 50 meter,
स्टार्ट गिवन बाय बी 1/5 × 50 दिस इक्वल टू 10 आया समझ में क्लियर है तो 10 मीटर का रन दिया भाई स्टार्ट दिया उसने कोई दिक्कत नो सर चलिए लिख लीजिए इसको बाहर बाहर वाला रूम खाली हो गया उनको ले जा सकते कोई दिक्कत नहीं वहां पर क्योंकि अगली क्लास चलेगी मेरी फिर डिस्टर्ब होने का मतलब आराम से अलग अलग बैठ के पढ़ेंगे ना लिख लिया भाई ये समझ में आ गया दोनों को बेटा ये दोनों को समझ में आ गया क्या यस सर तू भी बैठ जा कोई दिक्कत नहीं तू तो यहाँ पर भी बैठ सकता कोई दिक्कत नहीं जैसी इच्छा देरी जैसी इच्छा हो गया सर हो गया चलिए नेक्स्ट वन चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय न्यूज बात क्या बोल रहे हैं पर नहीं है तो छोड़ना ज्यादा क्या क्या बोल रहे हैं बोल इन द सेम रेस यू बोलना कि अभी और नए स्टूडेंट जो ही किया वो तो करवाएंगे इसी से बाय हाउ मच मीटर क्योंकि मैथ्स में तो होगा औरों का मत बोलना मैथ्स में होगा बस यू बोलो बाय हाउ मच मीटर्स डस ए बी सी How much meter does A beat C? बताओ आप कैसे करोगे सर आ गया ये तो मतलब 1000 मीटर में से A ने बीट करा 100 मीटर से तो B का 900 हाँ. और बी ने सी को बीट किया 150 से तो 900 - 150 150 कैसे हो जाएगा बेटा कितना दे रखा है एक मिनट से 150 तो दे रखा है अरे भाई अपन को क्या करना पड़ेगा क्योंकि देख इधर
डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, बाई ए 1000 मीटर, बाई बी कितना होगा 9000 माइनस 100, 900 मीटर. सो देयरफॉर रेशियो ऑफ ए टू बी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ए टू बी, और स्पीड भी मान सकते हो उसको क्योंकि डिस्टेंस है तो टाइम तो लिया है उन्होंने, टाइम तो सेम ही लिया है ना, रेशियो ऑफ स्पीड्स. तो ये हो गया 1000:9, तो 10:9 ऑफ ए एंड बी. फिर दूसरे केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, कवर्ड बाय सी, अब 150 मीटर सर आया तो 850 मीटर. तो स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड्स और बी एंड सी, तो ये आ गया 1000:850. कितना आ गया 20:17, 20:17. अब मुझे तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी. ए है आपका 10, 9, 20, 17. अब इसको तो बेटा आपको 1000 करना ही है क्योंकि 1 किलोमीटर रेस है ना, इन अ सेम रेस, किलोमीटर रेस है, तो इसको 1000 कर लो, इसको 900 कर लो, 9000, 900. अब इसको 900 करने के लिए इसको नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बोलो से करना पड़ेगा ना, 45 से करो, इसको 45 से करो. बोलिए, सेवन सिक्सटी फाइव मीटर. कितना आया 235 मीटर आया, समझ में 225 क्यों है? अरे इसने इसने लिख रखा है तो अपन थोड़ी लिखेंगे, इसने तो गलत लिख रखा है. हाँ 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 वो टोटल में भी वही कर रही थी, इसने तो गलत लिख रखा, अपन तो सही लिखेंगे. 230 इसका मतलब ए बीट सी बाई 235 मीटर. क्लियर है? बोलिए क्लियर है. यस सर, यस सर. चलिए लिख लीजिए इसको. अगला कर रहे हैं
यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। सेम ही है सर ये तो। हाँ सेम ही। तो अगला वाला आप कर ही लोगे। yes, ठीक है। एक काम करता अपन एग्जांपल नंबर 5 कर रहा। मुझे नहीं लगता वो नया भगत कर रही। In a 800 meter race, A beats B by तेरे का ये आटर दे इसका मेरे को करंट आ जाएगा करंट आ जाएगा। A beats B by 74 meter and in a 600 meter race, B beats C by 50 meter by how many meter, ये भी सेम है, will A beat C, तुम खुद करो बेटा उसको बिना देखे, in a race of A 500 meter, आप try करो एक बार क्योंकि आप करोगे तभी आएगा, in a race of 500 meter, फिर मैं बता ही दूंगा लेकिन बिना देखे करना जल्दी से।
सर रेशियो ऑफ ए एंड बी निकाल दिया 800 मीटर से।